हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट वन हिंदी और इंग्लिश और पार्ट टू हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात एस्थर विक्टोरिया अब्राहम की, 1930 और 40 के दशक के हिंदी सिनेमा की वो स्टार अभिनेत्री जिन्हें हम प्रमीला के नाम से जानते हैं और जिन्हें पहली मिस इंडिया कहलाने का गौरव हासिल है। प्रमीला जी का जन्म 30 दिसंबर 1916 को कोलकाता के एक अमीर यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 1935 में आर्देशिर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्म रिटर्न ऑफ तूफान मेल से डेब्यू किया था। हालांकि वो कहती थीं कि फिल्मों में उनका आना महज एक इत्तफाक था। प्रमीला जी से मेरी ये बातचीत साप्ताहिक सहारा समय के लिए फरवरी 2004 के पहले हफ्ते में शिवाजी पार्क दादर के उनके बंगले प्रमीला निवास में हुई थी। वो कहती थीं, मैं कोलकाता में एक स्कूल में पढ़ाती थी और छुट्टियों में अपनी बहन रोमिला और चचेरी बहन रोज से मिलने मुंबई आई थी। वो दोनों ही उस दौर की जानी मानी अभिनेत्रियां थीं। उसी दौरान प्रोड्यूसर आर्देशिर ईरानी और डायरेक्टर आरएस चौधरी की नजर प्रमीला पर पड़ी तो उन्होंने प्रमीला जी को फिल्म रिटर्न ऑफ तूफान मेल का लीड रोल ऑफर किया, जिसे थोड़ी बहुत ना नुकुर के बाद प्रमीला जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो फिल्म पूरी नहीं बन पाई। आर्देशिर ईरानी ने प्रमीला जी के साथ 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन प्रमीला जी की जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी कोल्हापुर सिनेटोन की साल 1935 की भिखारन। कोल्हापुर सिनेटोन से मास्टर विनायक, बाबूराव पेंढारकर और भालजी पेंढारकर जैसे बड़े नाम जुड़े हुए थे। बाबूराव पेंढारकर ने ही प्रमीला जी को उनके असली नाम एस्थर विक्टोरिया अब्राहम की जगह ये स्क्रीन नेम प्रमीला दिया था। साल 1936 में प्रमीला जी की महामाया, हमारी बेटियां, सरला, 1937 में मेरे लाल और 1938 में मदर इंडिया जैसी फिल्में रिलीज हुई। इनमें महामाया, हमारी बेटियां और सरला में प्रमीला जी के हीरो मिज्जन कुमार थे, जिनसे आगे चलकर प्रमीला जी की शादी हुई। साल 1938 की मदर इंडिया भारतीय सिनेमा के इतिहास में सफलतापूर्वक बनी पहली रंगीन फिल्म थी। इससे पहले भारत में रंगीन फिल्म बनाने की 3 कोशिशें हुई, लेकिन वो तीनों ही फिल्में साल 1932 की बिल्व मंगल, 1933 की सैरंधरी और 1937 की किसान कन्या तकनीकी कारणों से पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। साल 1939 में प्रमीला जी ने प्रकाश पिक्चर्स की बिजली और हुकुम का इक्का और वाडिया मूवी टोन की जंगल किंग में काम किया। जंगल किंग में प्रमीला जी ने पहली बार स्टंट रोल किया था। वाडिया की भी ये पहली फिल्म थी जिसमें उस बैनर की परमानेंट स्टंट क्वीन हंटर वाली नाडिया की जगह किसी और अभिनेत्री को लिया गया था। उन्हीं दिनों प्रमीला और मिज्जन कुमार की शादी हुई। मिज्जन कुमार भी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के एक बड़े स्टार थे। उनका असली नाम सैयद हसन अली जैदी था और वो मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे। फिल्म मुगले आजम में मूर्तिकार की भूमिका इन्हीं मिज्जन कुमार ने की थी और इस फिल्म का सुपरहिट गीत जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद मिज्जन कुमार पर ही पिक्चराइज हुआ था। 1940 का दशक प्रमीला जी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। उनके पति कुमार और कुमार के करीबी दोस्त अभिनेता चंद्रमोहन ने मिलकर प्रोडक्शन कंपनी सिल्वर फिल्म्स की नींव रखी तो प्रमीला भी इस बैनर से जुड़ गईं। लेकिन इस बैनर की पहली ही फिल्म साल 1942 की झंकार फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के मेन लीड में चंद्रमोहन, प्रमीला और कुमार थे
और प्रमिला जी ने इसमें 3 गीत भी गाए थे। प्रमिला और कुमार ने मिलकर अगले 2 दशकों में सिल्वर स्क्रीन के बैनर में भलाई, बड़े नवाब साहब, नसीब, देवर, धुन और बहाना, शमा प्रोडक्शंस के बैनर में नहले पे दहला, धूमधाम, दिलबर, कुमार स्टूडियोज लिमिटेड के बैनर में आप बीती और आर्टिस्ट यूनाइटेड के बैनर में बादल और बिजली और जंगल किंग जैसी फिल्में बनाई। हालांकि फिल्मों के प्रोडक्शन के साथ साथ प्रमिला जी अभिनय भी करती रहीं। उन्होंने उस दौरान सहेली, उल्टी गंगा, सालगिरह, शालीमार, दूसरी शादी, बेकसूर, हमारी बेटी, मजबूरी, फाइटिंग क्वीन और मुराद जैसी बाहर के बैनर्स की कई फिल्मों में अभिनय किया। साल 1947 में प्रमिला जी ने एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई मिस इंडिया प्रतियोगिता में पहला मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसके ठीक 20 साल बाद उनकी बेटी नकी जहां ने साल 1967 में ये ताज हासिल किया। नकी जहां 1966 की फिल्म आखिरी खत में एक अहम भूमिका में नजर आई थी। 1960 के दशक की शुरुआत में कुमार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लेकिन तमाम दबावों के बावजूद प्रमिला जी ने अपने बच्चों को साथ लेकर भारत में ही रहना बेहतर समझा। हालांकि पति के जाने का उनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा और फिल्मों से उनका रिश्ता एक झटके में टूट गया। साल 1960 की बहाना बतौर प्रोड्यूसर और 1961 की मुराद बतौर अभिनेत्री उनकी आखिरी फिल्में थीं। प्रमिला जी ने जिंदगी के आखिरी 50 साल प्रमिला निवास में फिल्मों से दूर अपने बेटों, बहुओं, पोते पोतियों के साथ रहकर गुजारे। उनके छोटे बेटे हैदर अली एक जाने माने अभिनेता हैं, जो टीवी शो नुक्कड़ से चर्चा में आए थे। हैदर अली को साल 2008 की फिल्म जोधा अकबर के स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर तो जाना जाता ही है। इस फिल्म का मशहूर गीत ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समाजा भी उन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था। उधर प्रमिला जी की बेटी नकी जहां उर्फ नंदिनी कामदार आज मुंबई की मशहूर कामदार बिजनेस फैमिली की बहू हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में बतौर अभिनेत्री और बतौर प्रोड्यूसर अपनी एक खास जगह बनाने वाली प्रमिला जी का निधन 6 अगस्त 2006 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री और प्रोड्यूसर प्रमिला की। प्रमिला जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 109 की, जिसमें होंगे 2 किस्से। पहला, वी शांताराम को किस वजह से अपने ही द्वारा स्थापित प्रभात फिल्म कंपनी से अलग होना पड़ा था, और दूसरा, के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड के सेट पर घटी वो घटना जो बताती है कि किस तरह के आसिफ अपने मनचाहे शॉट के लिए न पैसे की परवाह करते थे और न समय की, और कैसे उन्होंने एक बेहद मामूली बात के लिए पूरे दिन की शूटिंग का पैकअप कर दिया था। और अब एक आग्रह, अगर आपको हमारा ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका ये सहयोग इस चैनल के विस्तार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इसकी व्यूअरशिप में लगातार गिरावट नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे कहानी किस्सों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।